आईएएस और बारा के पूर्व कलेक्टर इंद्र सिंह राव को एक दिन की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद शुक्रवार को फिर से कोटा में जिला जज के सामने पेश किया गया। दोपहर 2:30 बजे एसीबी की टीम कड़ी सुरक्षा में इंद्र सिंह राव को लेकर जिला जज योगेंद्र कुमार पुरोहित के आवास पर पहुंची, जहां जिला जज ने आरोपी को 6 जनवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। पेशी के दौरान व जेल जाने के दौरान आरोपी कलेक्टर का रुतबा भी कलेक्टर की तरह नजर आया। एसीबी की टीम में शामिल एडिशनल एसपी चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि कलेक्टर जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए नार्को टेस्ट व वॉइस सैंपल की मांग की थी, लेकिन आरोपी कलेक्टर ने मना कर दिया। उन्होंने बताया कि अभी कई चीजें साफ नहीं हो रही है, चांदी का सिक्का भी नहीं मिला है, हालांकि फाइलों से संबंधित डिटेल ली है। संपत्ति की जाँच अलग टीम कर रही है, सारी जाँच रिपोर्ट एक जगह तलब करेंगे। एसीबी अब कोर्ट में कलेक्टर के नार्को टेस्ट व वॉइस सैंपल लेने की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र लगा सकती है।